घर के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या करने वाले मामले में पुलिस का खुलासा। गर्लफ्रेंड से संबंधों के शक पर की थी राहुल नाम के युवक की हत्या। पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोस्तों नमस्कार, K9 मीडिया के मंच पर आप जुड़ चुके हैं योगेश वत्स के साथ। दोस्तों, गर्लफ्रेंड से दूसरे युवक की दोस्ती के शक में एक युवक ने हत्या कर दी। मामला फरीदाबाद के गांव छायसा का है, जहां पुलिस ने राहुल नामक युवक की हत्या के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर ये खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इन युवकों पर आरोप है कि इनमें से एक युवक जो सोनीपत का रहने वाला है, इसने शक में राहुल नाम के युवक की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ राहुल के संबंध हैं। दरअसल 21 जुलाई को गांव छायसा में घर से बाहर निकले युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपी मौके से भाग पाने में कामयाब रहे थे। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर ये खुलासा किया है। ये 21/7 को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि छायसा गांव के अंदर राहुल नाम के व्यक्ति की जो है सुबह 6:15 बजे गोलियां मारकर हत्या कर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके और मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद श्री विकास अरोड़ा जी ने इसके अंदर तीन टीमों का गठन किया था, जिसके अंदर क्राइम ब्रांच DLF, बॉर्डर और क्राइम ब्रांच 65 तीनों ने इकट्ठे इसके अंदर काम करते हुए रात चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और कारण क्या थे सर, वजह क्या थी, आरोपी कहाँ थे? इसके अंदर जो मेन आरोपी है अजय है और ये सोनीपत का रहने वाला है। इसका इसकी कोई महिला मित्र थी, इसको शक था कि राहुल उसके साथ बातचीत करता है, वही शक का कारण जो है उसकी हत्या का कारण है। अभी कुछ और आरोपी रह गए हैं सर, सारे गिरफ्तार कर लिए गए? अभी इसके अंदर रिमांड ले रहे हैं, रिमांड लेने के बाद पूछताछ करी जाएगी, जो भी दोषी इसके अंदर और पाए जाएंगे सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तो चार अरेस्ट हुए हैं, आगे पूछताछ में जो आएंगे उनको अरेस्ट करेंगे।